नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। आज मुख्यमंत्री ने पर्यावरण की 5 अनुकूल योजनाओं की समीक्षा की। पर्यावरण संरक्षण में स्कूली छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक अनूठी योजना के तहत हरियाणा सरकार ने छात्रों द्वारा लगाए गए हर जीवित वृक्ष पर 6 महीने बाद 50 रुपये प्रति छात्र प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का निर्णय लिया है। यह प्रोत्साहन राशि 3 साल तक की अवधि के लिए दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें पर्यावरण संरक्षण पर आधारित एक पुस्तक भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सिविल सचिवालय में एकल उपयोग होने वाली प्लास्टिक की बोतलों की जगह कांच की बार बार उपयोग होने वाली कांच की बोतलों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हाल ही में प्लास्टिक की बोतलों को जिसमें पानी डाला जाता है वो प्रतिबंधित कर दी गई थी। इस बैठक में बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक राज्यव्यापी वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया जाएगा, जिसमें निजी स्कूलों से लेकर के सरकारी स्कूलों तक 6ठी से 12वीं कक्षा तक के बच्चे अपने घर में या घर के परिसर में या कहीं सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएंगे। पेड़ लगाए जाने के अलावा छात्र 3 वर्ष तक इन बच्चों को 50 रुपये जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। प्रदेश में 6ठी से 12वीं तक के बच्चों की संख्या लगभग 22 लाख है। यह अभियान 10 जुलाई से शुरू किया जाएगा, जिसके लिए वन विभाग इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पौधे भी उपलब्ध करवाएगा। पानी की बर्बादी रोकने के लिए पंचायतों को भी जागरूक करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए गर्वित स्वयंसेवकों को सक्रिय किया जाए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।